मैंने कहा मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर नुकसान हुआ है तो इन चार रिवायती पार्टियों की वजह से हुआ है। बताऊँगा, हमने 90 से लोग देखे गए हैं, पकड़े जाते हैं, लोग छोड़े जाते हैं, ये कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अमन के ख्वाह हैं और जब लोग अमन के ख्वाह हों कोई तालिब हुसैन या कोई और मैटर नहीं करता है। देखिए, इंजीनियर रशीद की पैरवी उसके वकील भी कर रहे हैं और अलताफ बुखारी और अपनी पार्टी भी कर रही है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो रिवायती सियासी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और पीडीपी हो, इनका एक ही नारा हमेशा रहा है कि जो नई पार्टियां आएंगी उनसे कश्मीर को नुकसान है। मैंने कहा मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर नुकसान हुआ है तो इन चार रिवायती पार्टियों की वजह से हुआ है। और हमारा जो ये इनकलाब है, अपनी पार्टी का इनकलाब, इन चारों पार्टियों का यहाँ सब इसके यहाँ से हटाना है। इन लोगों को जो इन्होंने धोखा 72 साल किया है, इनका धोखा लोगों के सामने हम नंगा कर रहे हैं हर जगह। सर, फाइनेंस अकाउंटेंट्स जो उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट आया है, वो आज भी एहतजाज पे उतर रहे हैं। देखिए, मैं उनको आज एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कल उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला, उन्होंने मुझे वादा किया कि इन्वेस्टिगेशन जोरों पे है, अगर ये साबित हुआ कुछ फ्रॉड हुआ है कैंसिल होगा वरना लिस्ट निकलेगा। तालिब हुसैन पकड़ा गया है, वो बीजेपी कल एजीपी ने बताया। देखो, यहाँ कोई यहाँ इतना बड़ा कंसर्न है, सुनिए मैं बताऊँगा। हमने 90 से लोग देखे गए हैं, पकड़े जाते हैं, लोग छोड़े जाते हैं, ये कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अमन के ख्वाह हैं और जब लोग अमन के ख्वाह हों कोई तालिब हुसैन या कोई और मैटर नहीं करता है। सर, आप यकीन से कहते हैं कि इलेक्शन से पहले इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए और इंजीनियर रशीद आप में से होगा? देखिए, इंजीनियर रशीद की पैरवी उसके वकील भी कर रहे हैं और अलताफ बुखारी और अपनी पार्टी भी कर रही है। और कहें लोग पेड़ों पे चढ़ के कहें अलताफ बुखारी क्यों करता है और कैसे करता है, वो एक कश्मीरी रहनुमा है जिसने मेरे साथ असेंबली में हल्फ उठाया है, उसने भी हिंदुस्तान का कोई हल्फ उठाया जो मैंने उठाया है, और उसकी जेल में नज़रबंदी कतन गलत है। और जिन लोगों को उससे खतरा है वो ही कहते हैं कि उसे बंद रखा जाए। सर, अगर उसने हल्फ उठाया तो इतना वक्त क्यों दिया गया, उसको क्यों बंद किया गया? सारी उसके लिए बात तो करनी है ना। अगर उन्होंने नहीं बात की, हम तो कर रहे हैं ना। हमने आज ही नहीं बात की, हमने पिछले साल भी बात की और हम बात करते रहे। कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग नहीं, कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग नहीं कर सकता है। ये एक साजिश है जिसमें ये चारों पार्टियां मुलविस हैं, ये चाहती हैं कि इनको अपने राजवाड़े बनाए। मैं इस मकमसे में पढ़ता हूँ कि पहले मिले या बाद में मिले, लेकिन मैं लोगों को वादा देता हूँ अपनी पार्टी को इक्तदार में लाओ, हम जरूर स्टेट हुड वापस आएंगे।